सेकेंड रोड मैप, बी एन एक्सट्रीम लर्नर. एक्सट्रीम लर्नर, जितने टॉप के लोग हैं वो सब एक्सट्रीम लर्नर होते हैं. वो सब नॉलेज रिट्रीट्स पे जाते हैं. नॉलेज रिट्रीट वर्ड तो औसत आदमी जानता भी नहीं होता क्या है. हमारा आम आदमी जानता है टूरिज्म वर्ड होता है नॉलेज रिट्रीट, आइसोलेशन डेज, कि 7 दिन गए खुद के अंदर झांक के लौट रहे हैं. ये सब जितने बड़े होते चले जाते हैं ना उतनी बात आती. एक छोटा व्यक्ति जब घूमने जाते क्या बोलता है, एक एक कोना देख लूं शहर का. एक बड़ा व्यक्ति घूमने आता बोलता है 4-5 मेन चीज देखेंगे, बाकी शांति से रहना. जैसे जैसे आप लेवल्स और लेडर्स पे ऊपर जाते हैं आपकी सोच में आपके काम करने के तरीके में. फिक्स फ्यू डेज एनुअली फॉर लर्निंग. मैं अपने लोगों को साल भर से क्या बोल रहा हूं, आप साल में एक कॉन्फ्रेंस कम से कम ऐसी कीजिए जो आपकी ट्रेड की हो और एक दूसरी हमेशा थॉट लीडर्स की करिए, जहां पे 25-50 टॉप के लोग आए और अपने विचार व्यक्त करें और वो आपसे डायरेक्ट कनेक्शन में कुछ भी नहीं हो, आप सिर्फ सुनने और उद्वेलित होकर होने जाएं कि दुनिया में हर क्षेत्र का सुप्रीम आदमी क्या सोचता है. मैं साल में ऐसे प्रोग्राम्स में जाता हूं जिनका मुझसे कोई कनेक्शन नहीं होता. मैं केवल इसलिए जानता हूं यदि वो आदमी इतना टॉप पे और वर्ल्ड फेमस में तो वो करता क्या है, उसको देख के आते हैं. वो किसी भी क्षेत्र में करता, लेकिन सक्सेसफुल होने के बेसिक फंडामेंटल हर क्षेत्र में अप्लाई होते हैं. फाउंडेशन स्टोन चेंज नहीं होते. आप देख लीजिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के फाउंडेशन हमेशा मजबूत एक तरीके के बनाए जाते हैं. ऊपर पहुंचते पहुंचते फिर उनकी डिजाइन में फर्क आता है और ऊपर जो फर्क दिखता है उसके वजह से कोई याद रखते हैं, हाँ भाई ये बिल्डिंग हेड शेप की थी, ये बिल्डिंग कार्ट शेप की थी, ये बिल्डिंग एरोप्लेन शेप की थी. लेकिन अंदर फाउंडेशन मोटा मोटी सब एक तरीके से डिजाइन होते हैं, साइजेस के हिसाब से चेंज होता चले आता है. तो फर्स्ट, फिक्स फ्यू एनुअल डेज फॉर लर्निंग, एकदम कंपलसरी. सेकंड, फिक्स अ सर्टन इन्वेस्टमेंट एनुअली फॉर लर्निंग. एक इन्वेस्टमेंट फिक्स करिए कि साल में मैं 2 लाख 5 लाख कुछ मैं इतना लर्निंग में खर्च करूंगा, फिर ये मेरे को खर्च करना ही है. जैसे कि फंड सरकार में लैप्स हो जाता है, लैप्स नहीं होना चाहिए, करना ही है. उसके लिए फिर मेरे को छत्तीसगढ़ में हो चाहे दिल्ली में हो या चाहे अपने को एक दूसरी कंट्री तक भी जाना पड़े, लेकिन फिक्स अ सर्टन इन्वेस्टमेंट. जैसे बोलते हैं ना अपनी अर्निंग का एक हिस्सा आदमी को धर्मार्थ फिक्स करना चाहिए, एक हिस्सा वैसी एक हिस्सा लर्निंग के लिए भी फिक्स करना चाहिए. ये कंसेप्ट हमको आज तक किसी ने नहीं सिखाया और इसीलिए हम लोग सेमिनार्स की कॉस्ट देखते हैं. क्या कॉस्ट है? मैं लोगों से पूछता हूं, आपने किसी सेमिनार के लिए 2 लाख रुपए भी दे दिए लेकिन जाके उसकी 2 लर्निंग भी आपकी इंप्लीमेंट हो गई तो उससे जो आउटपुट निकलेगा वो मेजर कर सकते हो क्या? कभी नहीं. आप ये देखना केवल, कभी नहीं सोचना फिक्स डेज, साल में 10 दिन लर्निंग करूंगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट मिनिमम मैं इतना स्पेंड करूंगा ही. ये सब अपने डीएनए में ले आइए आप, ये वीआईपी बनने का रोड मैप है. और बिल्कुल आप कितने भी वीआईपी हो अपनी जगह, कैसे भी हो आप, कितने भी बड़े उद्योगपति हो, कुछ भी हो, जब उस जगह में प्रवेश कर जाएं तो 2 दिन के लिए अपने सारे आवरण हटा देना, 2 दिन 4 दिन 5 प्योर लर्निंग. क्योंकि बख्तर बंद पहन के जाओगे तो अच्छी से अच्छी गोली भी असर नहीं करेगी. कितना भी अच्छा मौसम, पहली बारिश क्यों नहीं हो, इतना बड़ा छाता रख लोगे तो बारिश आपको कहां से फील कराएगी? जब तक 10-20 बूंदे गिरेंगी नहीं, मामूली सा भीगोगे नहीं, पता कैसे चलेगा बारिश है? तो फिक्स सर्टन डेज. और सिर्फ खुद के लिए नहीं, मैं इस दायरे को व्यापक करना चाहता हूं. इन्वेस्ट फॉर द लर्निंग ऑफ योर कोर टीम, फैमिली मेंबर्स एंड इवन किड्स, इन्वेस्ट फॉर देम ऑल्सो. ये मत सोचना पहले से कि वहां जाएंगे तो क्या समझ आएगा. 5 घंटे में वो 5 बातें भी लेके निकल गया ना, एक बात मन के किसको. एक आदमी जो बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, वो एक सेमिनार में मोटिवेट होकर रोज सुबह 45 मिनट दौड़ने में लग जाता है ना, वो अपनी लाइफ में 10 साल बढ़ा लेता है. एक छोटी सी लर्निंग का आउटपुट कितना. मेरे को तो जितने भी लोग किसी पुस्तक की कीमत देखते हैं, किसी सेमिनार की कीमत देखते हैं, मेरे को हंसी आती है. क्योंकि वही लोग जब एक फॉरेन ट्रिप में जाते हैं तो उसका 10-10 गुना खर्च करके आते हैं. एम आई राइट? कई लोग पुस्तक क्यों नहीं खरीदते, बहुत महंगी है यार. अरे एक विचार कब कहां जाके लग जावे और लाइफ चेंज कर दे. तो ये जगह एकदम हाथ खुला रखना, इसीलिए बोल रहा हूं फिक्स कर देना. फिक्स कर दोगे तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी जाओगे.